और यहां पर आज नवीन पटनायक जी 24 वर्षों के लंबे कार्यकाल उनकी बहुत बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन इतने दिन काम करने के बाद और उन्होंने जिनके साथ काम किया वो भी कम से कम 10 साल से मोदी जी उनके साथ ही है। उन्होंने इस राज्य के भलाई के लिए एक होकर काम कर रहे हैं, ऐसा हम पहले सोचे थे, लेकिन वो खरे नहीं उतरे। वो अब उनका एक दूसरे का जो ओपनली झगड़ा चल रहा है उससे मालूम होता है कि हमारे उड़ीसा स्टेट का कितना नुकसान हुआ, क्योंकि बगैर बात करे तुम लोग अंदर से ही एक होकर अपने तख्त की हिफाजत करने के लिए जो कोशिशें की, लेकिन उसका फायदा लोगों को नहीं हुआ। हमारे साथ जो नेता आए थे उनसे पूछताछ करने के बाद यहाँ कम से कम 41% आईएलओ रिपोर्ट के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आप सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, तो फिर आप डेवलपमेंट क्या करें? 24 साल एक आदमी एक जगह एक स्थान पर अगर बैठता है, अपने लोगों की चिंता अगर नहीं करता, 41% अनएम्प्लॉयमेंट रखता है और फिर भी लोगों से वो वोट पूछते हैं, तो किस मुंह से वो पूछते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा।